एवरीवन, वेलकम बैक टू फूडफोलिक। आज हम मेदू वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे ले लिए हैं आधा किलो उड़द दाल और इसे मैंने सोक करके रखा हुआ था रात भर पानी में। तो चलिए इसका पानी सबसे पहले स्ट्रेन करते हैं और उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा पानी जो है वो स्ट्रेन कर लिया है और अब इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे पेस्ट में। और पेस्ट बनाते वक्त हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें ड्राई पेस्ट ही चाहिए। तो मैं इन्हें ले रही हूँ ब्लेंडिंग जार में और इसे करेंगे ब्लेंड। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं 1/4 टीस्पून सोडा, 1 टीस्पून यहाँ पे है अदरक जिन्हें मैंने बारीक कट किया है, 2 से 3 ग्रीन चिली और कुछ धनिया के पत्ते हैं यहाँ पे। ये रहा उड़द का दाल जिन्हें हमने ब्लेंड कर लिया है और इसमें हम डालेंगे सारी चीज़ों को और करेंगे मिक्स। इन्हें हमें कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरीके से मिक्स करना है जब तक ये जो बैटर है वो अच्छी तरीके से फ्लफी और थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ पे अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और इन्हें भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है, फ्लफी हो चुका है। इसे हम रखेंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। 10 मिनट बाद हम इसे अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे और दूसरी तरफ चलिए वड़ा बनाते हैं। तो वड़ा बनाने के लिए हमें अच्छी तरीके से हाथों पे पानी लगा लेना है ताकि ये पेस्ट स्टिक ना हो। आप पानी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो इसे हम सबसे पहले रोल करेंगे राउंडल्स में और उसके बाद हम इसे इस तरीके से थोड़ा सा फैला देंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेके मैं सेंटर में होल बना ले रही हूँ इस तरीके से। और बस हमारा यहाँ पे एक वड़ा जो है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे ड्रॉप करते हैं ऑयल में और ऑयल चेक करने के लिए पहले थोड़ा सा पेस्ट डाल के चेक कर लें। अगर वो ऊपर आ रहा है तो ऑयल रेडी हो गया है। तो इसमें हम फ्राई करेंगे हमारे वड़ा और हमें बहुत ही धीमी आँच पे इसे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। इसी तरीके से हम बाकी वड़ा भी बना के ऑयल में ड्रॉप करेंगे। तो चलिए हम और कुछ वड़ा बना लेते हैं। एक टाइम पे आप 3 से 4 वड़ा ऐड करें जितना स्पेस हो उस अकॉर्डिंगली और बीच बीच में इन्हें फ्लिप करते रहें ताकि ये दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प हो जाए अच्छे से। आप देख सकते हैं जो वड़ा का साइज है वो थोड़ा सा फ्लफी और बड़ा भी हो गया है। इन्हें फ्राई होने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्प ना हो जाए। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मैं बाकी बैचेस भी फ्राई कर ले रही हूं वड़ा के। बहुत ही आराम से फ्लिप करते हुए दोनों तरफ क्रिस्प कर लें।
और चलिए इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे साउथ इंडियन मेदू वड़ा रेडी हो चुके हैं। इन्हें मैंने सर्व कर लिया है सांभर और चटनी के साथ। आप इसे ट्राई करें, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में।